अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक्वामी खबरें। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने चाशुंबे को शरद पवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर के ओहदे से हटाने का ऐलान किया। अजीत ने खुद को नया सदर भी बताया। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई थी, उसी में ये फैसला हुआ था। इधर दोनों ग्रुप्स के कायदीन इलेक्शन कमीशन पहुंचे। अजीत पवार ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन में NCP और उसके इलेक्शन सिंबल घड़ी पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को ही एक लेटर भेजा था। वहीं शरद पवार ग्रुप के लीडर और महाराष्ट्र में पार्टी के सदर जयंत पटेल ने 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से अजीत समेत 9 MLA को नाहल करार देने की मांग की है। इससे पहले मुंबई में अजीत पवार ने सुबह 11 बजे और शरद पवार ने दोपहर 1 बजे मीटिंग की। अजीत ने शरद की उम्र पर तंज कसा तो चाचा ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने भी भाई के बयान का जवाब देते हुए कहा कि रतन टाटा की उम्र 86 साल है, साइरस पूनावाला 84 साल के हैं, अमिताभ बच्चन 82 साल के हैं, वॉरेन बफे और फारूक अब्दुल्ला की उम्र देखो, क्या ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर बेइज्जती करनी है तो हमारी करो, हमारे वालिद की नहीं। NCP का एक ही सिक्का है, वो शरद पवार। कामाला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। काय माझी चूक आहे या संदर्भामध्ये? या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो, ISIPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात, राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचं उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना की तुझं हे चुकलं। त्यांना माहितीये की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालले ते खरं नाणं घेतलं पाहिजे, कारण त्याचं नाणं खरं नाहीये, खरं त्याचा वाजत नाहीये। मी काही मित्रांना त्यांच्याकडे काही भाष्य करू इच्छित नाही, आज काही लोकांनी वाचणं की माझ्याबद्दल काय बोलले, एक सत्य सांगत होते की आमचे गुरु आहेत। तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचा किंवा एवढं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले, त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावले, त्याचा फोटो माझा। त्यांना माहितीये की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालले बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही, बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दल आमच्यावर करा काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ, एक सांगते, एक महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येत, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच ताराराणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। आणि ह्यावर हा निर्णय आणि जबाबदारी आज आपल्या सगळ्यांवर आली आहे। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाही आहे, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग में चार शुबे को यकसां सिविल कोड की जरूरत और उसकी मुताबिकत पर तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड ने कहा कि यकसां सिविल कोड न तो जरूरी है और ना ही लोगों की ख्वाहिश है। अराकिन ने लीगल कमेटी की तरफ से तैयार करदा बोर्ड की 100 सफात पर मुश्तमिल तजवीज़ पर बहस के बाद उसे लॉ कमीशन को पेश किया। करारदाद में 21वें लॉ कमीशन के रद्द अमल और रिपोर्ट में मौजूदा सिविल कवानीन का हवाला देते हुए यकसां सिविल कोड को तमाम मजाहिब के लोगों के लिए नुकसानदेह और गैर जरूरी करार दिया गया। यकसां सिविल कोड को इंतखाबी मसला बताते हुए बोर्ड ने जमहूरी तरीके से इसकी मुखालिफत करने की भी बात कही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी की सदारत में बुलाई गई ऑनलाइन मीटिंग में मुल्क भर से तकरीबन 200 अराकीन ने शिरकत की और बोर्ड की कानूनी कमेटी की तरफ से तैयार की गई तकरीबन 100 सफात की तजवीज पर संजीदगी से गौर किया। बोर्ड के चेयरमैन मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि एक मुसलमान जो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के मामलात में शरीयत के अहकाम पर अमल करने का पाबंद है, उसी तरह निकाह और तलाक, खुला, इद्दत, मीरास, विरासत वगैरह में शरीयत के अहकाम पर अमल करना हर मुसलमान पर लाजिम है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों की हमेशा ख्वाहिश रही है कि उन्हें सियासत में हिस्सा मिले या ना मिले, सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें शरीयत पर अमल करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत से पहले मुजवजा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ्रेमवर्क कई मामलों में शरीयत के आयली मामला से मुतसादिम है, इसीलिए मजहबी नुक्ते नज़र से मुसलमानों के लिए यह कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि यकसां सिविल कोड भी मुल्क के मफाद में नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ सकाफतों का गुलदस्ता है और यही तनु इसकी खूबसूरती है। अगर इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करके उन पर सिर्फ एक कानून लागू किया जाए तो यह मुल्क के मफाद में नहीं है, कौमी यकजहती मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि यकसां सिविल कोड की जमहूरी तरीके से मुखालिफत की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में पेश आए पेशा वाक़े के मुलजिम प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रवेश के घर पर बुलडोजर चलाया गया और उसके इसी दौरान मुलजिम की माँ ज़ार-ओ-क़तार रो रही थी। कुछ खातून पुलिस अहकारों ने उन्हें संभाला और कार्रवाई में कोई रखना पैदा नहीं होने दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर मौजूद थी। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान प्रवेश के घर पर बुलडोजर चलाया गया। काबिले जिक्र है कि प्रवेश शुक्ला पर एक कबायली मजदूर के जिस्म पर पेशाब करने का इल्जाम है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जाता है कि वो बीजेपी रुकन असेंबली केदारनाथ शुक्ला का करीबी रह चुका है। प्रवेश के वालिद रमाकांत शुक्ला किसान है और नायब सरपंच भी रह चुके हैं। मुलजिम की एक 3 साल की बेटी है। प्रवेश का कोई भाई नहीं है जबकि 2 बहनें हैं। बहरहाल आज जब प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो सीधी तहसीलदार, SDM और SDOP समेत कसीर तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। रियासत के वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने पहले ही कह दिया था कि मुलजिम के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बीजेपी रुकन असेंबली से गुर्बत के सबब मुलजिम पर सख्त कार्रवाई ना होने का अंदेशा कुछ लोग जाहिर कर रहे थे, लेकिन जब रुकन असेंबली ने मुलजिम से कोई ताल्लुक ना होने की बात कही तो प्रवेश शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई। वाजह रहे कि प्रवेश शुक्ला की एक वीडियो गुज़िश्ता दिनों सामने आई थी जिसमें वो एक कबायली मजदूर पर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला फरार हो गया था। मंगल की देर शब तकरीबन 2 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुलजिम के वालिद रमाकांत शुक्ला का कहना है कि वीडियो फर्जी है, ये उन्हें फंसाने की साजिश है। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने
हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली काबीना मीटिंग में चाशुमे के रोज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई, यानी प्राइवेसी की सिक्योरिटी के लिए बहुत जल्द एक कानून बन जाएगा और अगर किसी ने प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इस बिल को आइंदा हफ्ता शुरू हो रहे मानसून इजलास में पेश कर सकती है। दरअसल मुल्क में एक सख्त डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत तवील मुद्दे से महसूस की जा रही थी। दुनिया के कई ममालिक में लोगों की प्राइवेसी की सिक्योरिटी को लेकर सख्त कवानीन पहले से ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था। अब हुकूमत इस कानून पर सख्ती से अमल कराने के लिए जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। बिल के मुताबिक कानून पर अमल कराने के लिए जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा वो आवाम की शिकायतें सुनने और उनका हल निकालने के लिए भी काम करेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी से जुड़े उसूलों की खिलाफवर्जी करने वाली कंपनियों के लिए सख्त इल्तिजाम किए गए हैं। बिल के मुताबिक उसूलों की खिलाफवर्जी पर कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुल्क में अभी कोई सख्त कानून नहीं होने की वजह से डेटा रखने वाली कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। हाल ही में मुल्क के अंदर कई मौके पर बैंक, बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई जानकारियां लीक होने की खबरें सामने आई हैं। इस वजह से डेटा सिक्योरिटी को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है। वाज़ेह रहे कि अक्सर कंपनियां कई मौके पर सारिफिन के डेटा का इस्तेमाल बगैर उनकी इजाजत के करती हुई देखी जाती है। मस्कुरा बिल से डेटा के ऐसे इस्तेमाल पर रोक लगेगी। हिंदुस्तान में डिजिटाइजेशन का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को ये भरोसा दिलाने की जरूरत है कि उनका डेटा महफूज है, इसीलिए भी हुकूमत ये बिल लेकर आई है। दर्जे फेरिस्त जातों, दर्जे फेरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा तबकात और अखिलेती बरादरियों के लिए लीडरों को तरक्की देने की अहमियत पर जोर देते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाशुंबे को पार्टी कैडर से कहा कि वो निचली सतह पर क़यादत तैयार करें और आपस में लड़ाई ना करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में पार्टी के SC ST OBC और अखिलेती विंग्स के लिए इसके लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन पर कौमी वर्कशॉप का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। Launch LDM app about which we have explained to you a while ago. So I would be requesting him to launch the app. Leadership ke baare mein पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में उन्होंने एक बात कही थी और कांग्रेस के नेताओं का एक चिंतन बैठक यूएन ढेबर की अध्यक्षता में हुई थी। दोनों दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे जब ये चिंतन सभा चल रही थी बैठक। इस बैठक में समापन भाषण में उन्होंने कहा था 1920 से 1940 के दौरान कांग्रेस संगठन में विभिन्न स्तर पर बदलाव हुए। महात्मा गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, उनको अनुशासन में बांधा गया। कांग्रेसजनों ने आपसी चर्चा और संवाद के द्वारा तमाम मुद्दों का हल निकाला। कठिन से कठिन समय में गांधी जी ने समाधान निकाला। लोकतंत्र की अपनी अलग खूबियां हैं, लेकिन जिसको काम करना है उसे सलीके से ट्रेंड होना जरूरी है। उनका ये भी कहना था अनडिजायरेबल लोग कहीं जगह पदों के हासिल करने के लिए जोर लगाते हैं और इसका संगठन को नुकसान होता है
और कांग्रेस पर ही लोकतंत्र को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए जरूरी है कि हम वैचारिक तौर पर मजबूत हो। गहन अध्ययन के साथ हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। नो पार्टी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस इट रीओरिएंटेड इटसेल्फ बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन लाइन विद द प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स। दिस इज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। ही सेड ये तो अनडिजायर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जुमे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आवाम उनकी हकीकत को समझ चुके हैं और उन्हें इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार हैं। खड़गे ने आज जारी एक बयान में बीजेपी हुकूमत को इख्तदार का लालची करार देते हुए कहा कि वो इख्तदार की क्रीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क की आवाम महंगाई बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सिद्धी जिले के वायरल वीडियो में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि बीजेपी हुकूमत कबायलियों पर मजालिम को रोकने के लिए हकीकी कदम क्यों नहीं उठाती। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी एमएलए के करीबी दोस्त ने मध्य प्रदेश में एक कबायली नौजवान के साथ जो गैर इंसानी और घिनौना फेल किया वो इंतहाई शर्मनाक है। रियासत में बीजेपी के 18 साल के दौरे हुकूमत में कबायलियों पर मजालिम के 30,400 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का गवर्नमेंट है वहां पर एक बहुत ही घिनौनी घटना घड़ी है। एक प्रवेश शुक्ला नाम का बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता है जिन्होंने एक आदिवासी असहाय तरुण लड़के के ऊपर पेशाब की और ये जो निंदनीय बात की है वो सिगरेट पी रहा है और ये कृत्य कर रहा है। ये बीजेपी का मैं समझता हूँ निंदनीय असहनीय यह अमानवीय है और ये क्रूरता है। ये बीजेपी के जो कृत्य है ये हमेशा के लिए मैं देख रहा हूँ कि अपमानित करना ये बीजेपी का धंधा हो गया ऐसा मुझे लगता है। माननीय राष्ट्रपति जब इस संसद भवन का उद्घाटन करना चाहती थी इमारत का उस टाइम पर भी उनको करने नहीं दिया तो बीजेपी का हर टाइम आदिवासी पर अन्याय करने का ये धोरण रखा है उसका हम निश्चित करते हैं। और ये जो घटना है प्रवेश शुक्ला जिला सिद्ध का जिसने वो ये पेशाब आदिवासी के लड़के पर की है हम उसका निश्चित करते हैं और माननीय राष्ट्रपति को भी हम अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस की ओर से निवेदन देने वाले और अनुसूचित जमाति जो हमारे आयोग है ऑल इंडिया लेवल पर उनको भी निवेदन देने वाले और पूरे देश में 7 तारीख को और 8 तारीख को पूरे देश में आदिवासी ये जो घिनौनी घटना हुई है जो प्रवेश शुक्ला ने किए जी बीजेपी। मणिपुर में जारी तशद्दुद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। AICC हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कांग्रेस कायद गौरव गोगोई ने कहा कि हम पार्लियामेंट में हुकूमत से जवाब चाहते हैं। उन्होंने मणिपुर में बीजेपी हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चोरी शुदा असलाहा और गोला बारूद वापस लाने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर का दौरा ज़रूर करें।
इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मणिपुर के वजीर आला बीरेन सिंह का कहना है कि मणिपुर में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत है। अगर मणिपुर में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत है तो फिर मुल्क के एनएसए अजीत डोवाल मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? द सिचुएशन इज स्टिल नॉट नॉर्मल इन मणिपुर। देयर इज अ ट्रेमेंडस लेवल ऑफ पेन, ग्रीफ एंड हेट्रेड an enmity felt by people belonging to all communities, and they all feel let down. The primary responsibility of any state government is to secure law and order and protect the life of its citizens. And I think the government, both at the state and at the center, have failed to do that. Now the bonds which have been broken in Manipur, I think it will take a long time to heal. Congress is willing to be part of that healing process. It is to start and initiate the process of healing that Shri Rahul Gandhi ji went to Manipur. It is to start the process of healing that he spoke about peace and dialogue. He did not make a political statement on his 2-day visit. And we hope that the Prime Minister takes a cue and visit the state, because it has been a mystery as to why the Prime Minister has completely avoided going to Manipur or talking about Manipur. I remember in January there was a meeting that was going to be held in India between Prime Minister Modi and then Prime Minister of Australia, Prime Minister Scott Morrison. That meeting was scheduled to be in India. Prime Minister Scott Morrison, former Prime Minister of Australia, did not come to India. He cancelled his visit at that point. Why? Because there were forest fires in Australia. India and Australia, an important part. सुनो धृतराष्ट्र, अब तो बंद आंखें खोलो, मोह और लालच को त्यागो, अन्याय और द्वेष को छोड़ो, उड़नता और पाप को दंडित करो और न्याय और सद्भाव के राह पर बढ़ो। आधुनिक भारत के वर्तमान धृतराष्ट्र श्री 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 नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया घूम लेते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, लेकिन उनको उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है मणिपुर के लिए। और राहुल जी के विजिट के दरमियान हमने एक और एक्टिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हमने देखा था, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का। पिछले बार अश्विनी वैष्णव जी का एक्टिंग आपने देखा था, आपको याद होगा, बलसोर वाले में। भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं, सच में All wonderful actors. आप देख लीजिए बीरेन सिंह को 3 बार उन्होंने राज्यपाल महोदया से टाइम दिया था, 3 बार, 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे इस्तीफा देने के लिए। और इस्तीफा देने से पहले सेट कर दिया था अपने लोगों की जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी को लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिए और बोले कि लोग का जो है ना प्यार है हमको जो इस्तीफा देने पहुंचने के रोक रहा है इस्तीफा देने से। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव पर सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट के बाद साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लालू ने नसीहत देते हुए कहा कि तुहार का हाल हुई नरेंद्र मोदी सोच ला, यानी उन्होंने बिहारी में नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे धमकी दी। उन्होंने कहा कि 2024 में
आवाम मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को कर सकती है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 4 मई को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में कामयाब होता है तो भारत ऐसा करने वाला 4th मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमरीका, रूस और चीन चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में फायरिंग का मामला आज सामने आया है। वकीलों के दो ग्रुपों में बहस के बाद झगड़ा हुआ और एक वकील ने फायरिंग कर दी। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सिक्योरिटी कवायद के बावजूद हथियार कोर्ट में कैसे पहुंचा इसकी जांच की जा रही है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी खातून ने अपनी 8 महीने की बेटी को 800 रुपए में बेच दिया। खातून की पहचान करामी मुर्मू के तौर पर हुई है। उसके पहले से एक बेटी थी। दूसरी बच्ची के जन्म से वो खुश नहीं थी। खातून ने अपने शोहर मुसु मुर्मू से छुपाकर बेटी का सौदा किया। मुसु को जब इसके बारे में पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये आदिवासी कपल बीप्रचरपुर गांव में रहता है। घर की माशी हालत सही नहीं है। खातून ने जब दूसरी बार बेटी को जन्म दिया तो वो परेशान रहने लगी। उसने पड़ोसी माही मुर्मू को बताया कि वो बच्ची की परवरिश नहीं कर पा रही है। एक दलाल के तौर पे उस खातून ने रोल अदा किया और उसने इस बच्ची को 800 रुपये में बिकवा दिया। ईरान में रेप के मुलजिम पाए गए 3 लोगों को मंगल के रोज फांसी दे दी गई। तीनों मुजरिम एक ब्यूटी क्लिनिक चलाते थे और ट्रीटमेंट के बहाने खवातीन और लड़कियों को वहां लाते थे। इसके बाद इलाज के बहाने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर रेप करते थे। इनमें से 2 मेल नर्स और 1 डॉक्टर शामिल हैं। इन तीनों को नवंबर 2021 में साउथ ईरान के किसी शहर से गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले उनके घिनौने काम के कुछ फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ही बेहोश करने की दवाइयाँ किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल से चोरी करते थे। ईरान में इस साल अब तक 354 मुजरिमीन को अलग अलग मामलों में फांसी पर लटकाया जा चुका है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जेनिन शहर में 2 दिन से जारी तनाव के बाद मंगल को इसराइली फौज ने वेस्ट बैंक से पीछे हटना शुरू कर दिया है। फौज के 2 दिन के ऑपरेशन में करीब 12 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। वहीं 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस रेड के दौरान एक इजरायली फौजी की भी मौत हुई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जनीन में रिफ्यूजी कैंप को तबाह कर दिया गया है। इलाके में मौजूद घर, सड़कों और कारों का मलबा हर जगह फैला हुआ है। इसके बाद मंगल की देर रात गाजा पट्टी से इसराइल पर मिजाइल फायर की गई थी। हमलों को देखते हुए सदर इसराइल में अलर्ट सायरन बजाया गया और आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया था। नाज़रीन आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।